नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी किचन नेहा की पाकशाला में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे आसान और बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी, जिसका नाम है मिक्स वेज सलाद, यानी कि ढेर सारी कच्ची सब्जियाँ और थोड़े से स्पाइसेस को मिक्स करके बनाया हुआ सलाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाजर और चुकंदर को कद्दूकस करेंगे। तो ये जो कद्दूकस के मोटे वाले छेद हैं, उस तरफ से हमें इनको कद्दूकस करना है। आप चाहें तो गाजर और चुकंदर को छोटे छोटे पीसेस में काट भी सकते हैं। गर्मी के टाइम पर आपको ये ऑरेंज वाली गाजर मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने गाजर ली है 250 ग्राम और एक बड़े साइज के चुकंदर को छील कर लिया है। पूरी गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है और देखिए कितने बढ़िया लच्छे बने हैं गाजर के। अब चुकंदर को भी कद्दूकस कर लेंगे। चुकंदर बहुत ही हेल्दी होता है और इससे होमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। अगर आपको एनीमिया की शिकायत है, यानी कि आपकी बॉडी का होमोग्लोबिन कम है, तो आप रोज एक चुकंदर जरूर खाएं। आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। चुकंदर को भी हमने पूरा कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। ये मैंने दो मीडियम साइज के टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है टमाटरों को। इसको हम इसमें डाल देंगे। ये लिया है मैंने खीरा। दो मीडियम साइज के खीरे को छोटा छोटा काट लिया है मैंने। इसको भी डाल देंगे इसमें। ये मैंने एक मीडियम साइज के प्याज के लच्छे बनाकर लिए हैं। आप चाहें तो छोटा छोटा काट लें प्याज को, और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप या तो मिर्च कम डालें या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और डालेंगे हम इसमें कुछ स्पाइसेस सलाद को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। जीरा पाउडर 2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून और लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज के नींबू का रस। अब मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। नमक आप सलाद में तब डालें जब आपको सलाद खाना हो या फिर सर्व करना हो, क्योंकि पहले ही अगर आप सलाद में नमक डाल देंगे तो सलाद से पानी छूटने लगेगा। तो लीजिए, तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिक्स वेज सलाद। इस तरह से आप भी घर पर सलाद को बनाइए, खुद भी खाइए और घर में सबको खाने के साथ सर्व कीजिए। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये मिक्स वेज सलाद बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। इसको आप अपने डाइट प्लान में ऐड कीजिए। इससे वेट भी कम होगा और सेहत भी बनी रहेगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।